देव दर्शन का लाभ मिलेगा। ऋषिकेश से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक जाएगा। इस ऑल वेदर रोड को चार धाम की परियोजना के तहत शुरू किया जाएगा, जो कि चारों धाम को एक साथ जोड़ने का काम करेगा। इन मार्गों पर कुल 132 पुलों की श्रृंखला बनेगी, जिसमें 25 हाई फ्लड लेवल ब्रिज और 107 मैनर ब्रिज शामिल है। 13 बाईपास कई शहरों को जाम फ्री बना देंगे। चार धाम क्षेत्र की नदियां और हिमगिरी का पानी सड़कों की बर्बादी में अहम भूमिका निभाते हैं। जगह जगह रिवर प्रोटेक्शन वॉल, 3,889 कलवर्ट राजमार्गों की सुरक्षा का हल बनेंगे। पागल नाला, लांबागढ़ जैसे 38 लैंडस्लाइड स्पॉट पर स्टील जाली, सॉयल नेलिंग, गैवियन वॉल, स्क्वायर मैस वेजिटेशन, जियो सिंथेटिक ट्रीटमेंट की आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा। देवप्रयाग जैसे 3 सिंकिंग जोन का ट्रीटमेंट भूस्खलन से सड़कों को सुरक्षित करेगी। 4 वायाडक्ट का निर्माण होगा, जिसमें मरीन पॉइंट रिवर वायाडक्ट तथा सोनगंगा अलकनंदा नदी के पानी से सोनगंगा की 775 मीटर लंबी माउंटेन वायाडक्ट राजमार्ग को 25 मीटर ऊंचा पहुंचा देगी। 2 महत्वपूर्ण टनल भी विकसित होंगी। 5 किलोमीटर सिल्कियारा बैंड टनल 25.5 किलोमीटर अंतर को कम कर देगी और पर्यावरण अनुकूल बना देगी। पेट्रोल और डीजल की बड़ी बचत के साथ कभी थकान से चूर करने वाली ये यात्रा अब केवल 10 मिनट की प्रदूषण मुक्त सुखदायी यात्रा बन जाएगी। जगह जगह इमरजेंसी ले बेस विकसित होंगे, जो परेशानी भरी यात्रा को आनंदमयी बनाएंगे। चार धाम यात्रा सभी मौसम में सुगम एवं आनंदमय बनाने के लिए 18 रोड साइड एमिनिटीज, 145 बस बेस भी विकसित होंगी। 9 ट्रक बेस क्षेत्र के व्यवसाय उन्नति में अहम भूमिका निभाएंगे। वर्ष 2020 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य है।